नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हूँ आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल विद्युत बोर्ड शिमला और धर्मशाला के बाद पूरे प्रदेश में लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला के बाद पूरे प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे। वर्ष 2024 से पहले सभी पुराने मीटरों को बदलने का विद्युत बोर्ड ने लक्ष्य तय किया है। आवश्यकता अनुसार इन बिजली मीटरों को उपभोक्ता रिचार्ज करवा सकेंगे। मोबाइल फोन रिचार्ज की तरह राशि खत्म होने से पहले उपभोक्ताओं को SMS भी आएगा। इन दिनों शिमला और धर्मशाला में 1.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी है। केंद्र सरकार की ओर से इस बाबत बोर्ड को ग्रांट मिली है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इन दोनों शहरों में मीटरों को बदला जा रहा है। वहीं दूसरे चरण में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मीटर को बदलने का काम शुरू होगा। हिमाचल के सभी जिलों में बनेंगे खेलो इंडिया सेंटर, खेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जिला ऊना के बंगाणा में 4.5 करोड़ से बहुउद्देशीय हाल बनाने और सभी 12 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर बनाने को मंजूरी दी है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि हर जिला में 5-5 लाख रुपए खर्च कर खेलो इंडिया सेंटर के तहत जिलों में सिंथेटिक ट्रैक, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कोचिंग सेंटरों का निर्माण किया जाएगा। बिलासपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लूहू चंबा में DYSSO मैदान, हमीरपुर में सिंथेटिक ट्रैक, धर्मशाला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, काजा में स्टेट कोचिंग सेंटर, वहीं रिकांगपियो में बॉक्सिंग कोचिंग सेंटर, कुल्लू में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ढालपुर मैदान, मंडी में स्टेट कोचिंग सेंटर, शिमला के रोहडू में इंडोर आउटडोर स्टेडियम, नाहन में स्टेट कोचिंग सेंटर, सोलन में स्टेट कोचिंग सेंटर और ऊना के इंदिरा स्टेडियम पर यह धनराशि खर्च की जाएगी। MOU हस्ताक्षरित, हिमाचल के 6 निजी विश्वविद्यालय से PhD इंजीनियरिंग कर सकेंगे सेना के जवान। हिमाचल प्रदेश के 6 निजी विश्वविद्यालयों से भारतीय सेना के जवान और अधिकारी उच्च शिक्षा ले सकेंगे। आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला के साथ मंगलवार को विश्वविद्यालय प्रबंधकों ने MOU हस्ताक्षर किए हैं। PhD सहित इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और सोशल साइंस में डिग्रियाँ लेना सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा अनुसंधान और कौशल विकास करने में भी निजी विश्वविद्यालय मदद करेंगे। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनामक आयोग की पहल पर सेना ने इस प्रस्ताव को सहमति दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनामक आयोग के तत्वावधान में शलूणी यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, इंटरनल यूनिवर्सिटी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी और JP यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओमिक्रॉन की आशंका के चलते दिल्ली भेजे 300 पॉजिटिव लोगों के सैंपल। ओमिक्रॉन वेरिएंट की आशंका के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने 300 संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव लोगों के सैंपल जांच को दिल्ली भेजे हैं। 4 दिन में ये सैंपल विभिन्न जिलों से लिए गए हैं। हालांकि अभी तक प्रदेश में किसी भी व्यक्ति में इस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने जिला कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और बद्दी में सतर्कता बढ़ा दी है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए दस्तावेज जांचे जा रहे हैं। विदेशों से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। ओमिक्रॉन के चलते स्वास्थ्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को प्रतिदिन रिपोर्ट करने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग को कोरोना के ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों बागवानों को झटका, 285 रुपये तक बढ़े इस खाद के दाम। केंद्र सरकार ने खादों के मूल्य में बढ़ोतरी कर हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों बागवानों को झटका दिया है। महज 15 दिनों में दाम बढ़ गए हैं। नए दामों की अधिसूचना बीते सोमवार को हिमफेड के पास पहुंच गई है। हिमफेड मंडी कुल्लू के प्रभारी किशन भारद्वाज ने बताया कि नए दाम के अनुसार 12, 32, 16 खाद 285 रुपये तक महंगी मिलेगी, यानी GST के साथ 1,470 रुपये प्रति बोरी मिलेगी। पहले इसका दाम 1,185 रुपये प्रति बोरी था। 15-15-15 खाद भी 170 रुपये महंगी मिलेगी। वहीं यह खाद 1,350 रुपये में GST के साथ मिलेगी। नीति आयोग की बैठक, CM जयराम बोले हिमाचल को उदार वित्तीय मदद की जरूरत। CM जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक राजस्व घाटे वाला राज्य है और विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए राज्य के पास सीमित साधन है। ऐसे में कई परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उदार सहायता की जरूरत है। राज्य में रेल संपर्क बढ़ाने पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें भू अधिग्रहण सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने ये बात आर्म्सडेल भवन में नीति आयोग और अन्य केंद्रीय सदस्यों के साथ हुई बैठक में कही है।
हिमाचल हाई कोर्ट कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मामले की 28 दिसंबर तक टली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मामले पर हो रही सुनवाई 28 दिसंबर के लिए टल गई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ में मामले पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कंप्यूटर शिक्षकों के उस भर्ती नियम को चुनौती दी है जिसके तहत विभाग ने 5 वर्ष के अनुभव को भर्ती के लिए योग्य शर्त बनाया है। वहीं कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मामले पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2013 से स्थगन आदेश पारित किए हैं। उसके बाद से कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। कंप्यूटर शिक्षकों ने भी हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर कोर्ट से उनकी सेवाओं को नियमित करने का आग्रह किया गया है। करीब 1300 कंप्यूटर शिक्षक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में वर्ष 2002 से सेवाएँ दे रहे हैं। हाईकोर्ट मुख्यमंत्री की संस्तुति पर मंडी के स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर भर्ती पर रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी किया है कि वो फिलहाल राज्य के प्राथमिक विद्यालय सुमना बक्सियाड़ मंडी में अंशकालिक मल्टीटास्क वर्कर की क्लोज 18 के तहत नियुक्ति न करें। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यह स्पष्ट किया है कि विभाग इस स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती क्लोज 7 के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी का आरोप है कि सरकार ने अपने चेतों को नौकरी दिलाने के लिए इस क्लोज को रखा है जिसके तहत मुख्यमंत्री बिना किसी शर्त के किसी को भी पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर पद पर नियुक्ति दे सकते हैं। प्रार्थी का आरोप है कि इस क्लोज से अन्य पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता है। एक बार पहले भी हाईकोर्ट ने पार्ट टाइम वर्कर पॉलिसी का क्लोज 12 निरस्त किया था। वहीं कोर्ट ने मुख्यमंत्री की ऐसी शक्तियों को भेदभावपूर्ण व मनमाना ठहराते हुए उसे खारिज भी किया था। अब सरकार ने उसी तरह की शक्तियां नई पॉलिसी बनाकर मुख्यमंत्री को दे दी हैं जो न केवल गैर कानूनी है बल्कि कोर्ट के आदेशों की अवमानना भी है। न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए संबंधित स्कूलों में क्लोज 18 के तहत मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिए और सरकार से जवाब तलब किया है। वहीं गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के तहत मल्टीटास्क वर्कर के 8000 पद भरे जाने हैं जिनमें 4000 पदों को नियम 18 के तहत मुख्यमंत्री की संस्तुति से भरा जाएगा जबकि शेष 4000 पदों को सीधी भर्ती से भरने का फैसला लिया गया है। आश्वासन नहीं लिखित आदेशों से थमेगी टूल डाउन स्ट्राइक। HRTC नाहन डिपो पीसमिल की स्ट्राइक मंगलवार को बावजूद मुख्यमंत्री के आश्वासन के 9वें दिन में प्रवेश कर गई है। वहीं अब पीसमिल के समर्थन में HRTC की तकनीकी विंग यूनियन भी साथ आ गई है। टेक्निकल यूनियन HRTC नाहन डिपो के संयोजक सचिव श्याम कुमार ने कहा कि यदि 15 दिसंबर तक पीसमिल कर्मियों को अनुबंध में लाने के लिखित आदेश जारी नहीं होते हैं तो 15 दिसंबर के बाद टेक्निकल यूनियन भी टूल डाउन स्ट्राइक में उतरेंगे। मंगलवार को HRTC कर्मशाला नाहन में गेट मीटिंग के तहत तकनीकी यूनियन ने पीसमिल कर्मियों को खुलकर समर्थन किया है। वहीं निगम प्रशासनिक स्टाफ ने भी पीसमिल कर्मियों का समर्थन किया है। CM जयराम बोले सैंपलिंग बढ़ाएंगे, स्कूल बंद करने पर अभी विचार नहीं। हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूलों में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच भी इन्हें बंद करने के बारे में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्कूल बंद करने के मामले में इतना जल्दी फैसला नहीं होगा, इस बारे में विचार किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बढ़ते मामले चिंताजनक हैं, अधिकारियों को अब टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। मंगलवार को नीति आयोग के साथ हुई बैठक में भी इस बारे में चर्चा की गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि वैक्सीनेशन में डबल डोज के तहत लक्ष्यों को पूरा किया गया है। वहीं इस अभियान में कहीं भी शिथिलता न आए इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।